हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसकी बेस पे थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि क्वेश्चंस करने में आपको इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक होता क्या है वो आप इसमें समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक के अंदर हमें पता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है वो हर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। आप जानते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेंगे उसके आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और वो सारे नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स, ये होता है। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमैटिक यही कहता है कि हर कंपोजिट नंबर जो है उसको आप ब्रेक करेंगे एज अ प्राइम फैक्टर। जैसा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ पता ही होगा, फंडामेंटल थ्योरम के वो दो भी एक पार्ट है, जिसमें एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ LCM least common multiple and HCF highest common factor होते हैं। तो जब आप LCM find out करते हैं तो भी आप सारे number क्या लेते हैं, prime number। उसी तरीके से हम इस fundamental theorem की पहले definition समझेंगे, फिर उसके base पे exercise करेंगे। तो देखिए, every composite number can be expressed as a product of prime number। जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से, और उनके फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे अपने ऑर्डर के हिसाब से। अब देखिए, आप कोई भी एक नंबर लीजिए, मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 20, ठीक है। 20 जो है वो है आपका कंपोजिट नंबर। अब इसके बनाते हैं हम फैक्टर, तो ये किस किस टेबल में आता है, 2 10s are 20, 10 किस में आता है, 2 5s are 10, यानी कि ये तीन जो आपके पास नंबर आए, ये तीनों नंबर एक तो यूनिक नंबर है और तीनों जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। तो इसको 20 कंपोजिट को हमने ये प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया, तो ये कहलाता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, ठीक है। अब देखिए, इसका इनवर्स हम ये भी लिख सकते हैं, कन्वर्सली उल्टा क्या लिखेंगे, इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के उसमें एक्सप्रेस किया गया है तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। नाउ LCM एंड HCF, ये दोनों आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में 8th में 9th में आपको पता ही होगा कि इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, HCF और LCM क्या है, इन दोनों के दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन एक डिवीजन मेथड, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। आपने जो हमने अभी पीछे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने करा था, इस तरीके से किया था, ये वाला मेथड जो है वो है आपका HCF का पार्ट, ठीक है, HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक। और जब हम LCM करते हैं ये कहलाता है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सब तो आपने पढ़ ही रखा होगा। अब हम देखते हैं कि HCF और LCM जो होता है वो होता है LCM multiply HCF equal to product of two number, वो अब आप
इसमें देखिए HCF into LCM equal to product of two numbers. जब भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो आपके पास जो HCF होगा और LCM होगा उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको मिल जाएगा. और अगर आपको सिर्फ LCM फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट of two numbers divided by HCF. ठीक है. और अगर HCF find out करना हो तो आप HCF को यहाँ लिख दीजिए, LCM को यहाँ, तो आपका फॉर्मूला होगा product of two numbers equal upon LCM. देखिए एक ही फॉर्मूले से आप कई सारे बना सकते हैं, और अगर आपको यही अच्छे से याद रहे तो आप जिस जिस की वैल्यू आपको गिवन हो वो यूज करके जो नॉन गिवन वैल्यू हो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है क्या होता है, तो वही हमारा एक्सरसाइज 1.2 पे बेस्ड है. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज Express each number as a product of its prime factor. आपको इस number को इसके prime factor के product के रूप में लिखना है. तो देखिए हम कैसे करेंगे. 140 टू के टेबल में, सबसे पहले टू का टेबल लेते हैं. टू के टेबल में 140 कब आता है, 270, राइट. ये एक prime number मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है, एक हो गया. 70 को ब्रेक कीजिए 2 से, 35 टू जा 70, ये मिल गया आपको. 35 देखिए अब 2 में तो आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आता. 5 7 जा 35, ये और ये आपको सारे प्राइम नंबर मिल गए. तो 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो हमने ये मेंशन कर दिया, ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है. ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड है आपका 156. इसे करिए 2 से ब्रेक. देखिए जिसको थोड़ा डाउट होता है ब्रेक करने में वो 2 से इसको क्या करिए, डिवाइड करके देख लीजिए. 27 जा 14, 16 आया, 28 जा 16, तो ये 78 आप यहाँ यूज कर दीजिए. ठीक है. अब वंस प्लेस पे 8 है, अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 78 को करके देखिए. 2 3 जा 6 18, 2 9 जा 18, यहाँ पे आ गया 39. ठीक है. अब 39 2 में तो आता नहीं है, तो 3 से करके देखिए. 13 3 जा 39, अब 13 भी किसी में नहीं आता, तो आप लिख सकते हैं 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 13, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2. ठीक है. अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट. तो अब थर्ड पार्ट देखिए 3825. अब हम 3825 के फैक्टर बनाएं. तो देखिए आपको पता है इस लास्ट नंबर पे क्या है, 5, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है. इनको ऐड कीजिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो हम इस नंबर को सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 3 1 जा 3, 8 उतारा, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21 एंड 15, 3 5 जा 15. ठीक है. तो देखिए ये किससे मेंशन हुआ, 3 से हमने इसे डिवाइड किया, तो आपके पास आया 1275. अब इसको प्लस करके देखिए, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, ये फिर 3 से डिविजिबल है, तो इसे लिखिए 3, और 1275 को 3 से करके देखिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 15, 3 5 जा 15, यहाँ आया 425. ठीक है. 5 4 4 9 और 2 11, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है,
अब हम करेंगे इसे 5 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, 5 से डिविजिबल हो गए। 5 8 are 40, 5 5 are 25, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो आपके पास सारे के सारे नंबर क्या आ गए, प्राइम। 3 into 3 into 5 into 5 into 17, तो ये आया 3 2 times 5 2 times into 7, ये आपके इसके फैक्टर बन गए। नाउ फोर्थ पार्ट, 5005। अब देखिए 5005 हमारे माइंड में एकदम आएगा कि इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो करिए 5005 जो है सबसे पहले 5 से करेंगे तो क्या आएगा 1001, ठीक है। अब देखिए 1001 या तो जाएगा, लास्ट में 1 है, तो हमारे पास 1 3 5 7 9 ये नंबर्स हैं, जिसमें से 3 से तो ये जा नहीं रहा, 5 से भी नहीं, इसे 7 से करके देखिए, 7 7 30, 7 4 28 21, 7 3 21, यानी कि ये 7 से डिविजिबल हुआ, इस पे 143। अब 143 क्या 7 से जाएगा, 9, 7 14 ये नहीं जाएगा, 9 से 9 ये भी नहीं। अब हम करते हैं 11, तो 11 से 143 करिए, यानी कि 11 13 143। अब देखिए आपको ये नंबर ये नंबर ये नंबर सारे क्या मिल गए, प्राइम नंबर, तो 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गया इस नंबर का, ठीक है। अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है 7429। तो 7429 के फैक्टर बनाते हैं, देखिए 9 है तो 3 से करके देखिए, 7 और 4 11 11 और 2 13 13 और 9 22, 3 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, बाकी किसी नंबर में 1 से 10 में और 9 आता नहीं। अब जाते हैं 11, वो भी नहीं, 13, 11 या 13 से ट्राई करके देखते हैं, 13 से करते हैं, 13 5 are 65 92 13 7 are 91 9 13 से भी नहीं गया, 14 15 से ये जाएगा, 17 से देखते हैं, 4 are 68 8 9 11 12 62 17 3 are 51 1 9 1 17 7 are, यानी कि 17 से ये डिविजिबल हुआ 437। अब 17 तक देखिए, अब 437 को देखिए 19 से, 19 2 are 38 57 19 3 are 50, यानी कि 19 23। सो आपका 7249 = 17 × 19 × 23, ये आपके प्राइम फैक्टर आ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो भी आपको एक कंपोजिट नंबर गिवन था उसको आपने प्राइम फैक्टर के रूप में मेंशन किया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड फिर उसको वेरीफाई करना है इस इक्वेशन में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होंगे या नहीं। तो हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालते हैं पहले, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो यहां लिखिए 26 यहां 91, 26 किस टेबल में आता है 2 into 13,
और 91 आता है आपका 3 × 30, राइट। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 2 × 3 × इस पेयर को हम एक बार लिखेंगे जो कॉमन पेयर है, एक बार कितना आया, 3 × 6 = 13, 6 × 78, ये आपके पास आ गया एलसीएम। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए, जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम और एचसीएफ में बस एक ही फर्क है कि एचसीएफ जो होगा वो जो कॉमन होगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन एलसीएम में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो वन टाइम यूज होगा और रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपका एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट है ना, तो हर एक लेने हैं, क्योंकि लीस्ट मतलब छोटा और हाईएस्ट मतलब यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये एलसीएम आया, ये एचसीएफ, तो हमने पहला काम कर दिया। अब हमने वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा या नहीं। सो फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू, आप 26 तो जानते हैं, 13 टू सा, तो 2 × 30। अब 91 का एलसीएम निकालने के लिए आप साइड में इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 से करिए नहीं जाएगा, 7 से, 7 × 7 = 13, यानी कि 7 × 30, राइट। अब एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम ऑफ 26 और 91 इक्वल टू 2 × 7 × 30। जो ये नंबर है इसे आप सिंगल टाइम लेंगे, आप 7 × 14 × 13 कर लीजिए, यानी कि आपके पास आ गया एलसीएम 182। अब एचसीएफ ऑफ 26 और 91 इक्वल टू, देखिए एलसीएम था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है हर एक लीस्ट नंबर यू विल यूज और इसको वन टाइम, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 30, तो ये आ गया। तो अब वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये किया। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, और दो नंबर आपके कौन से थे, 26 और 91 का प्रोडक्ट। अब आपको इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आप कहेंगे वेरी गुड। कैसे, 182 × 13, यहाँ आया आपका 2366, 26 को 91 से, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि LHS और RHS आपके इक्वल आ गए, तो ये आपका वेरीफाई हुआ। आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो सेम, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, 510 और 92, आप दोनों को डिवाइड कीजिए 1/1, 2 × 4, 11 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 24, and 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 35, and 70. तो हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 = 70, 92 करिए, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 23, 1. 2 × 2 × 23. Now, LCM of 510 and 92 is, 2 common है, 1 time mention किया, rest of the numbers सारे उतार लिए, ठीक है। अब देखिए easy बनाने के लिए multiply कीजिए, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 17,
और 23 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 391। अब 391 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 3, 4, 6 × 10 ये आया आपके पास 2, 3, 4, 6, 0। ठीक है, हम निकालते हैं HCF। HCF इक्वल टू कॉमन क्या है, ओनली 2, तो HCF आ गया। अब वेरीफाई में देखिए, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। देख लो चल रहा है, LCM है आपका 2, 3, 4, 6, 0 इंटू HCF 2, और आपके पास दो नंबर है 5, 10 × 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4, 6, 9, 2, 0 इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 5, क्योंकि आपका LHS और RHS इक्वल आ गए। ठीक है, अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। वही सबसे पहले LCM ले लीजिए 336 और 54 का, तो 336 का LCM लीजिए, 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 and 7 7, कितने 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 × 7, 54 का करिए, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, या आपके पास 2 × 1 2 3, राइट। अब LCM ऑफ 336 एंड 54 इज, देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम उतार लिया, और कोई 2 है नहीं, और 3 कॉमन, इसे भी 1 टाइम उतारे, जो कॉमन थे वो 1 टाइम उतारे, अब रेस्ट क्या बच गया, 3 × 2 1 2 3 और 7 and 2 × 3, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 और 3 3 9, 9 7 63। यानी कि इसका मल्टीप्लाई आया आपका 3024। अब HCF ऑफ 336 एंड 54 is 2 × 3, सिर्फ कॉमन वाले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हटाते हैं, नाउ LCM into HCF equal to product of 2 numbers, LCM कितना है 3024, HCF 6, यहाँ 336 × 54, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, हियर इज 18144, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 18144, इट मींस LHS और RHS इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट किया। आपको HCF और LCM किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आना चाहिए। आपको नहीं भी आता है तो इन क्वेश्चन से आपको HCF और LCM पता चल गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट किए।
तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरी चैनल भी न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।